यस बेटा, कंटिन्यूइंग आवर टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लास्ट लेक्चर तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स जो है वो चार बेसिस पर डिस्कस कर लिया था। पहला बेसिस था चार्ज, दूसरा बेसिस था सिमेट्री, तीसरा बेसिस था डेंटिसिटी और फोर्थ बेसिस था किलेटिंग एंड नॉन किलेटिंग प्रॉपर्टीज। इन चार प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हमने लिगेंड्स को क्लासिफाई कर लिया था। आज हम पांचवे बेसिस पर लिगेंड को क्लासिफाई करते हैं and that basis is on the basis of electron accepting and electron donating properties. इस basis पर आप ligands को classify कर सकते हैं बेटे as classical ligands and non-classical ligands को बेटे non-classical ligands को हम pi acid ligands या pi acceptor ligands भी कह सकते हैं। pi acid ligands को pi acceptor ligands या non-classical ligands भी कहते हैं। classical ligands जो ligand की हमने definition दी थी उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसीज में है क्या कि ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, मतलब सिर्फ कैसे बिहेव करते हैं एज इलेक्ट्रॉन डोनर बिहेव करते हैं, सिर्फ कैसे बिहेव करते हैं कॉम्प्लेक्सेस में एज लुईस बेस, मतलब जो डेफिनेशन दी थी हमने लिगेंड की जो उस डेफिनेशन के साथ कंसिस्टेंट है वो सारे लिगेंड्स कैसे हैं क्लासिकल लिगेंड्स। क्लासिकल लिगेंड्स के एग्जांपल हूँ वाटर, एफ माइनस, एनओ टू माइनस एक्सेट्रा। मेजॉरिटी 99% लिगेंड कैसे होते हैं, क्लासिकल लिगेंड्स होते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन दी थी कि एक मेटल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अपने इलेक्ट्रॉन मेटल के साथ शेयर करवा के, वो लिगेंड्स कैसे लिगेंड्स हैं, क्लासिकल लिगेंड्स हैं। मतलब ऐसे लिगेंड जिनकी सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी होती है वो कैसे लिगेंड्स हैं, क्लासिकल लिगेंड्स। नॉन क्लासिकल लिगेंड्स देखो क्या होते हैं बेटे, पहले तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, है ना, पहले तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अपने इलेक्ट्रॉन्स को मेटल के साथ शेयर करके मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, लेकिन साथ के साथ मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन बैक एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी है। मतलब समझ में आई, पहले तो अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दे दिए, वो बॉन्ड बना रहेगा, उसके बाद मेटल से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो मतलब पहले केस में तो लिगेंड ने कैसे बिहेव किया एज इलेक्ट्रॉन डोनर, मतलब लुईस बेस। लेकिन दूसरे बॉन्ड के केस में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लग गया, कैसे बिहेव करने लग गया एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव करने का मतलब है कैसे बिहेव करने लग गया एज लुईस एसिड। तो जो लिगेंड है नॉन क्लासिकल वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसीज रखने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसीज भी रखता है, है ना, डेफिनेशन से हट गया ना ये, हमने कहा लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 99% लिगेंड ऐसे ही करते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल लिगेंड्स। एट द सेम टाइम देयर आर फ्यू लिगेंड्स, फ्यू मतलब कितने परसेंट, पूरी क्लास का 1%, वो क्या करते हैं लिगेंड को, लिगेंड पहले मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बाद में मेटल से वापस इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्या बॉन्डिंग रहती है, ये हम डिस्कस करेंगे। ऐसे लिगेंड्स को, नॉन क्लासिकल लिगेंड्स को दो तरह से क्लासिफाई करा जाता है आगे, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। ये क्लास हमारे एनसीईआरटी में है, ठीक है, मतलब आप इसको छोड़ नहीं सकते, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जो दूसरी क्लास होती है ऐसे लिगेंड्स की वो होती है सिग्मा पाई डोनर्स एंड पाई एक्सेप्टर्स। ये आप सिर्फ कॉम्पिटिशन के लिए अलग है, फॉर कॉम्पिटिशन, ठीक है, ये क्लास तो आपको पढ़नी पड़ेगी एनसीईआरटी के लिए, वो क्लास कॉम्पिटिशन के लिए। सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर,
मतलब क्या हुआ कि लिगेंड जो है इस केस में मेटल के साथ लाइगेट कर रहा है, लिगेंड जो है वो मेटल के साथ लाइगेट कर रहा है, तो लिगेंड जो डोनेशन कर रहा है उससे तो क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। लिगेंड जो डोनेशन कर रहा है उससे कैसा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब लिगेंड मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, जब लिगेंड मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तब कैसा बॉन्ड बन रहा है, पाई। मतलब लिगेंड डोनेशन किसकी कर रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की, एक्सेप्शन किसकी कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की। ऐसे लिगेंड्स को क्या कहा जाता है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। लेकिन अगर लिगेंड डोनेशन भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की करे और एक्सेप्शन भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की करे तब वो कैसा नॉन क्लासिकल लिगेंड्स बन जाएगा, पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। दोबारा समझें, ऐसे लिगेंड्स जो सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को डोनेट करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं मेटल के साथ, वो क्लासिकल लिगेंड्स हैं, जो आज तक हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लिगेंड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। 99% लिगेंड्स ऐसे ही होते हैं। एट द सेम टाइम 1% लिगेंड्स ऐसे भी होते हैं जो मेटल को इलेक्ट्रॉन देने के बाद मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर रखवा लेते हैं। ये क्लास दो फर्दर क्लासेस में डिवाइडेड है, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स दिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए। और ऐसे लिगेंड्स जिन्होंने अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए और सामने से भी पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए वो कैसे हैं, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। मैं कुछ एग्जांपल हैं इनके वो यही बता देती हूँ। इस क्लास का जो मेजर एग्जाम्पल है वो है CO। मेजर एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने बिल्कुल इसका जिक्र करके एक्सप्लेनेशन दिया है। CO इस तरह का डोनर है, PHC भी इस तरह का डोनर है, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर। पाई डोनर पाई एक्सेप्टर क्लास के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, बेंजीन है, पिरिडीन है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन है, बहुत सारे लिगेंड्स हैं जो पाई डोनर पाई एक्सेप्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। अब हम दोनों क्लासेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये करते क्या हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स। और सबसे पहला केस जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर्स का केस। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले देखेंगे सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। Yes, sigma donor pi acceptor, NCERT की हेडिंग पता क्या है इसकी, NCERT की हेडिंग है bonding in metal carbonates। NCERT ने इस हेडिंग से लास्ट ऑफ द चैप्टर में ये एक्सप्लेन किया हुआ है bonding in metal carbonates। ठीक है, ध्यान से समझे होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड आप सबको पता है इसमें क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ, और कार्बन और ऑक्सीजन दोनों पे क्या प्रेजेंट होता है, एक एक लोन पेयर। कार्बन का जो लोन पेयर है वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, मतलब ये जो CO है ये अपने लोन पेयर को इसको देता है, अपना लोन पेयर इसको दे रहा है, तो कैसे डोनेशन है, सिग्मा डोनेशन है। ऐसा करने से क्या होता है, मेटल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम सी, है ना। मेटल्स की तो बेटा खुद की टेंडेंसी होती है सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देने की, कॉम्प्लेक्सेस में तो वो क्या कर रहा है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन खुद ले रहा है, उल्टा काम कर रहा है। उल्टा काम तभी कर रहा होगा जब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट उसको मिल रहा होगा। प्रॉफिट ये मिल रहा होगा कि ऐसा करने से जो रिजल्टेंट कंपाउंड बन रहा होगा वो बहुत ही ज्यादा
होगा, इसलिए वो अपने करेक्टर के अगेंस्ट भी वो काम कर रहा होगा। लेकिन नॉन क्लासिकल लिगेंड्स जो हैं वो मेटल की अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी सेटिस्फाई करते हुए पाए गए हैं। मेटल आयंस की अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मेटल्स के ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होती है, +2, +3, +4 मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। लेकिन कार्बोनाइल के साथ ये मेटल मोस्टली जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया गया है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया गया है और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पाया गया है। क्यों पाया गया है? मैंने बोला मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बढ़ा दी, ठीक है। अब ये मेटल कोशिश करेगा कि यार मेरी बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए। अपनी बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बच्चों कम करने के लिए मेटल क्या करता है, इस लिगेंड के वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स में, ये कहां से आए इसके वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आए। अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये मेटल ने ये सिग्मा बॉन्ड बना लिया इस लिगेंड के साथ, लेकिन ऐसा करने से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अपनी बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने के लिए ये मेटल अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल्स को, किसको, अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल्स को बच्चे किसके साथ ओवरलैप करवा देता है, अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवा देता है किसके साथ, वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स के साथ, अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवा देता है किसके साथ, वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल के साथ। और कैसा बॉन्ड बन जाता है बेटे यहाँ आके, पाई है ना। अब जिस केस में मेटल आयन ऐसा कर सकता था उस केस में जो लिगेंड जुड़ा हुआ था उसको हमने कह दिया नॉन क्लासिकल लिगेंड। जिस केस में लिगेंड के पास एबिलिटी नहीं थी कि वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को रखवा पाए, वो कैसा लिगेंड बन गया, क्लासिकल लिगेंड्स। तो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स नॉन क्लासिकल इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास एबिलिटी है कि वो मेटल आयन की बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करवा सकते हैं। कैसे, अपने वेकेंट ऑर्बिटल में मेटल के फिल्ड ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को रिजाइड कर सकते। बात समझ में आई? अब देखिए ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से मेटल और कार्बन में, अरे सिग्मा बॉन्ड बना, फिर कैसा बॉन्ड बना, पाई बॉन्ड। अब सुनो ये पाई बॉन्ड कैसा बना, मेटल का कौन सा ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व था, डी, तो बॉन्ड बना डी पर। और कार्बन मोनोऑक्साइड का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व था, पी, कौन सा बॉन्ड बना, डी पाई। इसको कहते हैं डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग, है ना। बैक बॉन्डिंग क्यों कह रहे हैं, कि बॉन्ड की डायरेक्शन पहले से क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है, और बॉन्ड फॉर्मेशन में एक मेटल का डी और लिगेंड का पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इसलिए इसे हम कह रहे हैं डी पाई पी पाई बैक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन आयंस के लिए और भी बहुत सारे नाम हैं। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन आयंस के लिए एक नाम है सिनर्जिक बॉन्डिंग, है ना। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन आयंस को सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहा जाता है, या बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन आयंस को म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। म्यूचुअल रीइंफोर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन सिर्फ यूं पड़े हुए थे, है ना, यूं जुड़े हुए थे। अब इसने एक और बॉन्ड बना के इन मेटल लिगेंड्स को ज्वाइन कर दिया, तो ऑब्वियसली जो मेटल कार्बन आयंस बनेंगे वो एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे, क्योंकि एक बॉन्ड से मेटल और लिगेंड जुड़ने की बजाय दो दो बॉन्ड से जुड़ रहे हैं, एक सिग्मा है एक पाई है, ठीक है। प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई, क्यों, अगर मैं इसका पूरा पिक्चर शो करूंगी, आपने तो ये कह दिया और हमने कहा था कार्बन और इसमें भी तीन बॉन्ड है, कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, पांच बॉन्ड। क्या कार्बन पांच बॉन्ड बनाता है, सवाल ही पैदा नहीं होता।
कार्बन पांच बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इसका मतलब जैसे जैसे ये बॉन्ड मजबूत होना शुरू होगा, बनना शुरू होगा, वैसे वैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होता है। रीजन, ऑर्बिटल वही यूज किया जाएगा जो पहले बॉन्डिंग वाले के पास था। तो अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बताऊं सीओ का, जरा ध्यान दें, क्लास 11th वाली चीज है, कार्बन ऑक्सीजन 2p2 2p4, ये तीन ऑर्बिटल्स नीचे, तीन ऑर्बिटल्स ऊपर, दो और चार, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सिक्स, सिक्स के सिक्स इलेक्ट्रॉन्स बेटा कहाँ पड़े हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ये खाली हो गया ना, कौन से ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स खाली हो गए, ये देखो यहाँ पे शो किया, वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स। अब जो आप इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हो वो किसको दे रहे हो, इस पाई स्टार को दे रहे हो, वैकेंट इलेक्ट्रॉन जो दे रहे हो वो इस पाई स्टार को दे रहे हो, और पाई स्टार को देते ही बॉन्ड ऑर्डर इसका कम हो जाएगा। मैं बॉन्ड ऑर्डर ही कम करवा रही हूँ कि जैसे ही इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, सीओ का खुद का बॉन्ड ऑर्डर पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक जो स्पेशल नोट आपने यहाँ लगा के लिखना है, स्पेशल नोट, वो क्या लिखना है, वो लिखना है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ इज लेस देन 3 इन मेटल कार्बोनाइड्स एंड बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। ये बात समझ में आएगी आप सबको कि मेटल कार्बोनाइड्स में नॉर्मली सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, 3, लेकिन जैसे ही मेटल कार्बोनाइड बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम हो जाता है, और बॉन्ड ऑर्डर अगर कम हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ मजबूत हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने आईआईटी में देखी है प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स में, उन्हीं से हम शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, जो चीज हमने डिस्कस किया उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कहा कि मेटल कार्बन ऑक्सीजन, ये तीन चीजें हैं, पहला बॉन्ड मेटल कार्बन बनने के बाद दूसरा बॉन्ड जैसे जैसे यहाँ बनना शुरू हो जाता है, इस कार्बन ऑक्सीजन का तीसरा बॉन्ड उतना वीक होना शुरू हो जाता है। मतलब मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर पहले से कम, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर उतना कम हो जाएगा। मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब है इधर बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे कम होगी, यहां पर बॉन्ड लेंथ वैसे वैसे बढ़ जाएगी। मतलब जितनी आसानी से ये वाला बॉन्ड बनेगा, जितनी आसानी से, जितना मजबूत मेटल और कार्बन का ये पाई बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी। क्लियर है? अगर ये चीजें क्लियर है तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड आउट द स्पीशीज हैविंग मैक्सिमम सीओ बॉन्ड। ठीक है, आपने ऐसी स्पीशीज बतानी है जिसमें सीओ की बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है। ए इज CrCO6, बी इज BCO6 नेगेटिव, सी इज MnCO5 पॉजिटिव एंड डी इज FeCO5, राइट? ये चार स्पीशीज हैं और मैंने पूछा है इन चारों स्पीशीज में से किस स्पीशीज में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम होगा। अब इसका मतलब हमसे पूछा क्या है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ कहाँ मैक्सिमम होगा। मिनिमम पूछा होता कि मिनिमम कहाँ है, तो सारी बातें हमारी रिवर्स हो जाती है। बॉन्ड लेंथ की बजाय बॉन्ड ऑर्डर पूछा होता तो भी हमारा डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाता। फंडामेंटल चीज वो जो ऊपर लिखी है हमने, वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए। हमने कहा बॉन्ड लेंथ सीओ का बढ़ना चाहिए, बेसिक सी बात है। हम देखना चाहते हैं कि ये मेटल कार्बन बॉन्ड कौन सी स्पीशीज में स्ट्रॉन्गर है, ये देखना चाहते हैं। जिस स्पीशीज में ये मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बन गया
उस स्पीशीज में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम है। तो अब हमें देखना है कि कहां मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा। मेटल जितनी आसानी से इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, मेटल जितनी आसानी से इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, मेटल कार्बन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेटल जितनी आसानी से इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, मेटल कार्बन बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और आसानी से कब देगा? जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन कम होंगे? ऑब्वियसली जब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उसकी डेंसिटी कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाने की उतनी ज्यादा होगी। तो मतलब सबसे स्ट्रॉन्गर मेटल कार्बन बॉन्ड कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है, क्योंकि सीओ पे तो जीरो होता है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। तो सबसे स्ट्रॉन्गर मेटल कार्बन बॉन्ड बी के केस में बन रहा है। इसका मतलब सीओ बॉन्ड यहाँ सबसे वीक होगा। सबसे वीक होने का मतलब इस केस में सीओ बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। तो हमसे मैक्सिमम ही पूछा है तो हमारा आंसर तो आ गया ही, लेकिन फिर भी ऑर्डर लेते हैं हम यहाँ। ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड लेंथ ये लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो बी में होगी, क्यों? क्योंकि बी में मेटल पे नेगेटिव चार्ज है, सबसे आसानी से मेटल यहाँ कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। सबसे ज्यादा सीओ बॉन्ड लेंथ तो बी में होगी। और अगर ऐसा है तो सबसे कम मेटल किसमें होगी? सी में, क्योंकि सी पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, वो तो न्यूट्रल है, सी पे पॉजिटिव है। पॉजिटिव वाले स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो सबसे ज्यादा बी में, सबसे कम सी में, और बीच में आएंगे ए और डी। लेकिन ए और डी पे क्या ऑर्डर रहेगा वो देखते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड नेगेटिव वालों में सबसे ज्यादा, फिर न्यूट्रल, पॉजिटिव वालों में ये सबसे कम। मान लो कि दो स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज सेम है, दो स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज सेम है, स्पीशीज न्यूट्रल है, जबकि सिमिलरिटी की कंडीशन आ जाती है, तो दूसरा डिसाइसिव क्राइटेरिया क्या कहता है? जैसे हमारे लिए न्यूट्रल की कंडीशन आ गई, तो न्यूट्रल की कंडीशन अगर आ गई है तो चेक नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। क्या चेक करते हैं? नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। तो डी सबशेल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल कार्बन बॉन्ड बनने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तभी दे पाएगा। अगर हम क्रोमियम की बात करें बच्चे, तो एटॉमिक स्टेट में देखना है, क्रोमियम का कंफिगरेशन होता है 3D5 4S में एक्सेप्शनल कंफिगरेशन, और इधर आयरन का कंफिगरेशन होता है 3D6 4S2। तो किसके डी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? आयरन के डी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो क्रोमियम के कंपैरिजन में आयरन आसानी से मेटल कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है वो यहाँ ज्यादा होगी। तो बच्चे हमारा आंसर आएगा बी, बी के बाद डी, डी के बाद ए, और सबसे लास्ट में सी। तो मुद्दे की बात, ये पिक्चर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए आपने बेटा 10-12 सेकंड्स लगा के ये पिक्चर एक बार रिवाइज कर लेनी है कि क्या कंडीशन है, किस केस में कैसे लगाना है। अगर आप 10 सेकंड ज्यादा नहीं, ज्यादा हम दे ही नहीं सकते, अफोर्ड ही नहीं करते ज्यादा टाइम देना, अगर 10 सेकंड के लिए ये पिक्चर रिव्यू करके ऐसी प्रॉब्लम्स पे आएंगे तो हमारे क्वेश्चन में जिसको हम कहते हैं सिलिंग स्टेप होगी मैम, उल्टा ऑर्डर दे दिया है ना, रिवर्स दे दिया। तो वो चीजें इसीलिए होती है क्योंकि हम हमारे कंसेप्ट को माइंड में रिव्यू नहीं कर पाते। तो आपने एक फ्लैश के साथ ही 4-5 सेकंड्स में ये कंसेप्ट को रिव्यू करना है और फिर इन चीजों के बारे में डिस्कस करना है। तो ये तो बेटा कैसे नॉन क्लासिकल लिगेंड्स थे, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स थे। देखो मैंने कहा था ये पाई क्लासिकल लिगेंड्स जो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स जो होते हैं वो मेटल की अनयूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। जीरो, नेगेटिव, मेटल ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट देता हुआ पाया नहीं गया है, लेकिन इनके साथ दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि अगर मेटल में नेगेटिव हो भी तो भी वो अपने इलेक्ट्रॉन से लिगेंड को वापस देके अपने ऊपर जो नेगेटिव है उसको कुछ, उसके इंपैक्ट को कुछ कम कर लेता है, जिसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बहुत ही स्टेबल।
स्टेबल बन जाता है। तो मेटल आयन क्लासिकल लिगेंड्स के साथ तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, लेकिन नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के साथ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो कर सकता है। तो बिल्कुल एनसीईआरटी में आपको ऐसे ही टॉपिक मिलेगा, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइज। तो नॉन क्लासिकल लिगेंड्स की अब जो दूसरी क्लास है, हालांकि कॉम्पिटिशन के लिए है, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग बिहेवियर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्शन जो है वो हम लेंगे जरूर। देखिए जरा नेक्स्ट इज पाई डोनर्स एंड पाई एक्सेप्टर्स। ठीक है, जो पहले वाली क्लास थी दैट वाज सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। अब एक्सेप्शन का तरीका तो भी सेम है, क्या मेटल अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाएगा लिगेंड के वेकेंट ऑर्बिटल्स के साथ, मतलब इतनी चीज तो सेम है। ठीक है, लेकिन पहले जहां लोन पेयर का डोनेशन हो रहा था, अब किसका डोनेशन होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन होगा, इसलिए डोनर कैसा होगा? पाई। एक लिगेंड लेते हैं हम, इस लिगेंड का नाम है बेटा साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन, इसका फॉर्मूला होता है बेटा C5H5 1 साइक्लोपेंटाडाइन आयन C5H5 1 माइनस कुछ इस तरह से स्पीशी। क्या ये लोन पेयर इन पाई बॉन्ड्स के साथ कॉन्जुगेशन में है? क्या ये लोन पेयर इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ कॉन्जुगेशन में है? कॉन्जुगेशन मीन्स अल्टरनेशन। अगर अल्टरनेटिंग ऑर्डर आ रहा है, मतलब कॉन्जुगेशन में अल्टरनेटिंग का मतलब एक छोड़ के एक, है ना? तो लोन पेयर अल्टरनेशन पाई बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन है। पाई बॉन्ड अल्टरनेशन पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड अल्टरनेशन लोन पेयर है, तो अल्टरनेशन में है मतलब कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन का मतलब है ये लोन पेयर यहां लोकलाइज है ही नहीं, एक्चुअली ये पूरी रिंग के ऊपर फैला हुआ है और नेगेटिव चार्ज में इनको दे। ठीक है, तो ये इसकी लुई स्ट्रक्चर हो गई या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, जबकि ये इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर होगी जिसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर ये लिगेंड लाइगेशन के दौरान मेटल आयन को अपना पूरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफर करते, अगर ये मेटल आयन के साथ लाइगेशन के दौरान अपना पूरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफर कर दे, तो ये कैसा डोनर है? पाई डोनर। कैसा डोनर है? पाई डोनर है। और एक्सेप्शन में अभी आपको बता चुके हूं, एक्सेप्शन का तरीका क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक्सेप्शन का तरीका क्या है कि मेटल अपने फील्ड डी ऑर्बिटल्स, मेटल क्या करेगा अपने फील्ड डी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवा देगा किससे? इसके वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स के साथ, है ना? तो बैक डोनेशन तो बच्चों सेम है, बैक डोनेशन तो सेम है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन जो खुद ने डोनेशन की इस बार वो लोन पेयर की ना करके किसकी कर दी? पूरे पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डोनेशन कर दी, इसलिए ऐसे लिगेंड्स को क्या कहा जाता है? पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। अब मान लो अगर वो यहां से कुछ डोनेशन करता है ना, ऐसे ये मेटल को डोनेट करता, तो अब क्या बन जाता है? ये सिग्मा डोनर, क्योंकि अब इसने अपने लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। लेकिन ये कंडीशन कभी आ ही नहीं सकती क्योंकि लोन पेयर कभी यहां पर लोकलाइज्ड है ही नहीं। तो अगर ऐसा होता तो ये सिग्मा डोनर बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लोन पेयर लोकलाइज्ड नहीं है, लोन पेयर डी लोकलाइज्ड है। तो इस तरह के लिगेंड्स जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑफर करके लाइगेशन करते हैं और फिर बैक एक्सेप्ट भी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उन्हें क्या कहा जाता है? पाई एक्सेप्टर एंड पाई डोनर लिगेंड। एक बहुत अच्छा कंपाउंड बताते हैं, इसमें एक कंपाउंड है
स्पैरोसीन, इस स्पैरोसीन को सैंडविच कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है, स्पैरोसीन सैंडविच कॉम्प्लेक्स। ये होता क्या है, आयरन टू प्लस, आयरन टू प्लस जुड़ा होता है किससे, दो दो साइक्लोपेंटा डाइफिनाइल सिस्टम से, इस तरह से ये जुड़ा होता है साइक्लोपेंटा डाइफिनाइल सिस्टम से। इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में पता कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं Fe pi C5H5 का होल प्लस। पाई का मतलब कि कैसा लिगेंड है, पाई डोनर लिगेंड है। इसको एक और टर्म से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं Fe eta 5 C5H5 का होल प्लस। अब ये eta क्या होता है, eta होता है हैप्टिसिटी, है ना। तो eta वर्ड पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स के लिए यूज किया जाता है। हैप्टिसिटी क्या बताती है, नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन, है ना। यहां कितने एटम्स इन्वॉल्व है डीलोकलाइजेशन में, 5 कार्बन एटम्स, इसलिए इसका ईटा क्या है, 5। बेंजीन रिंग कितने सिस्टम इन्वॉल्व है, 6, तो बेंजीन रिंग का ईटा क्या हो जाएगा, 6। जैसे दूसरा हम एक और एग्जांपल लेते हैं, सीआर C6H6 का होल ट्वाइस, CR C6H6 का होल ट्वाइस। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम बताएं, तो ये एक बेंजीन रिंग, आपको पता है बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन क्राउड है, ये बीच में क्रोमियम, इधर एक बेंजीन रिंग के साथ ये जो बेंजीन है, ये जो क्रोमियम एटम है, ये लाइगेटेड है। बेंजीन कैसा लिगेंड है, बेंजीन इज अ काइंड ऑफ पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। एक और बहुत कॉमन एग्जांपल जो हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है एग्जांपल ऑफ जीएस सॉल्ट, एग्जांपल नंबर 4 जीएस सॉल्ट। ये क्या होता है, ध्यान से देखना, के PtCl3 C2H4, के PtCl3 C2H4, दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्या करता है या क्या बताता है, अभी देखते हैं। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है कुछ इस तरह से है, है ना, ये हम डीपीटी जब पढ़ेंगे तो बताएंगे शेप हमने इसकी वाली। इसके साथ 3 सीएल यूनिट्स लगाए, ये 3 सीएल लिगेंड्स हटाए, ये प्लैटिनम के साथ 3 सीएल लिगेंड्स हटाए। चौथा लिगेंड कैसा अटैच है, C2H4। C2H4 क्या है, इथीन। व्हाट इज C2H4, C2H4 इज इथीन। अच्छा लगाते हैं इथीन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये बीच में डबल बॉन्ड, ये H, ये H, ये H, ये H। क्या इथीन के पास डोनेशन के लिए कोई लोन पेयर है, इथीन के पास मेटल को देने के लिए कोई लोन पेयर है, नहीं। तो क्या इथीन सिग्मा डोनर हो सकता है, नहीं। लेकिन डोनेशन के लिए उसके पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहां वो अपनी इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए किसको इन्वॉल्व कर लेता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व कर लेता है। तो इसलिए जो इथाइलिन मॉलिक्यूल है ये कैसा है, पाई डोनर। असेप्शन का तरीका सेम है, मेटल अपने फील्ड ऑर्बिटल को इसके एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करवा के बैंड डोनेशन करेगा, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर, पूरे पे चार्ज -1, जिसको बैलेंस करने के लिए बाहर एक कॉन्ट्राइन लगा रखा है A+। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, है ना। लिगेंड्स क्या है, 5 बेसिस पर हमने इसको क्लासिफाई किया है, वो 5 बेसिस आपने बहुत अच्छे से पढ़ने। हाँ जी बेटा, हम स्टार्ट करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और इसको डिस्कस करने से पहले एक बेसिक सी चीज डिस्कस करेंगे कि हमने हमेशा NaCl को NaCl लिखा है, कभी भी Cl ने नहीं लिखा। इसका मतलब फॉर्मूला राइटिंग में पहले हमेशा पॉजिटिव चीज लिखते हैं,
फ्लॉड बाय निम्फ। नाम मेरी, आपने हमेशा इसका नाम क्या रखा बेटा, सोडियम क्लोराइड। हमेशा इसका नाम क्या रखा है, सोडियम क्लोराइड। पॉजिटिव एंटिटी का नाम पहले लिखा आपने, कभी भी क्लोराइड सोडियम नहीं लिखा। तो ऐसा ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किया जाएगा। अगर तो आपका काउंटर आयन पॉजिटिव है तो पहले आप इसका नाम लिखोगे काउंटर, और अगर आपकी कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है और काउंटर आयन नेगेटिव है तो आप पहले किसका नाम लिखोगे, कॉम्प्लेक्स एंटिटी का। मतलब काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स एंटिटी में जो भी चीज पॉजिटिव है पहले उसका नाम लिखा जाएगा। फॉरमोस्ट सबसे पहले हम देखेंगे नेमिंग ऑफ काउंटर आयंस। काउंटर आयंस की नेमिंग कैसे की जा सकती है, नेमिंग ऑफ काउंटर आयंस। सपोज पॉजिटिव काउंटर आयन है और कुछ इस तरह से लगे हैं, ये पॉजिटिव काउंटर आयंस लिखे, तो सबसे पहले काउंटर आयन का नाम लेना, मतलब काउंटर आयन के नाम का पहला लेटर क्या आएगा, कैपिटल आएगा अगर काउंटर आयन पॉजिटिव है। काउंटर आयन का नाम देते वक्त इन नंबर्स को कुछ सिग्निफाई नहीं किया जाएगा, मतलब अगर के लिखा हुआ है तो भी हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। के टू लिखा हुआ है तो भी हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। के थ्री लिखा हुआ है तो भी हम क्या लिखेंगे, पोटेशियम। मतलब काउंटर आयंस का नंबर हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऐसे शब्द यूज करके कभी भी मेंशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, एक सिंपल सी बात है, सपोज आपके पास एक आईडी कंपाउंड है MgNO3 twice, आप इसका नाम क्या देते हो बेटा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, है ना, यही नाम देते हो, या लिखते हो मैग्नीशियम डाई नाइट्रेट, नहीं मैग्नीशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट को ट्वाइस क्यों किया आपने, जस्ट कि चार्ज को क्या किया जा सके, बैलेंस किया जा सके। तो काउंटर आयन का नाम आप जब भी देंगे तो सिर्फ काउंटर आयन का नाम देंगे, उसके नंबर के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे। दूसरी बात, अगर काउंटर आयन कोई ऐसा मेटल है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, अब पोटेशियम तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता था, हमने पोटेशियम ले लिया, अब आयरन +2 भी शो करता है और +3 भी शो करता है, तो जब ऐसा मेटल काउंटर आयन हो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे तो उसका नाम लिख के ब्रैकेट में आपको क्या शो करनी है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी मेंशन करनी है। सपोज यहां पर Fe2+ जुड़ा हुआ है तो आपको लिखना पड़ता Fe2, राइट। काउंटर आयन लिखना है, काउंटर आयन का सिर्फ नाम लिखना है, काउंटर आयन का नंबर नहीं बताना। काउंटर आयन अगर कोई वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला मेटल आयन है तो उसका नाम लिख के ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करनी है, ठीक है। अब अगर आपका काउंटर आयन H+ आयन है, स्पेशल केस, अगर आपका काउंटर आयन H+ आयन है तो आपने इसको पहले नहीं लिखना, पहले पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है, कॉम्प्लेक्सेस में, है ना, पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम लिख के पीछे एक सफिक्स लगाना है और वो सफिक्स होगा किक एस, ठीक है। अभी एग्जांपल्स में मैं समझा दूंगी, लेकिन काउंटर आयंस के लिए याद रखें, अगर H+ आयन काउंटर आयन है तो आपने H+ का नाम पहले नहीं लिखना, कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना है और कॉम्प्लेक्स के नाम को एंड कर देना है एक सफिक्स से, और वो सफिक्स बच्चों क्या है, वो सफिक्स है इक एसिड। तो स्पेशल केसेस है H+ आयन के। और अगर आपका काउंटर आयन नेगेटिव है, फॉर नेगेटिव काउंटर आयंस, है ना, काउंटर आयन नेगेटिव है, नेगेटिव काउंटर आयन का मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, बाहर Cl लगा है, Cl2 लगा है, चाहे Cl3 लगा है, आपने क्या करना है, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम देना है और कॉम्प्लेक्स के नाम के बाद आपने क्या लिख देना है, क्लोराइड। यहां पर लिखेंगे डाई क्लोराइड या सिर्फ क्लोराइड, ओनली क्लोराइड, तो यहां भी पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे और बाद में लिख देंगे क्लोराइड, यहां भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे और बाद में लिख देंगे क्लोराइड। काउंटर आयंस के नंबर को हम शो नहीं करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट नेमिंग ऑफ काउंटर आयंस।
आउटर एंड्स की नेमिंग के बाद बेटा हम कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग करना सीखेंगे, और सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स देखेंगे वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है, केटायनिक कॉम्प्लेक्स। हम केटायनिक कॉम्प्लेक्सेस को कैसे नेम कर सकते हैं, तो फॉर्मेट देखें क्या है। सबसे पहले बताना है नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स जुड़े हुए। आपको जब रिप्रेजेंटेशन बताया था तो कुछ इस तरह से बताया था ना, MLN होगा, N नंबर ऑफ लिगेंड्स का। सबसे पहले आपने बताना है नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स बताया है। फिर आपने बताना बेटे इसमें नेम ऑफ लिगेंड्स, मतलब आपने बताना है कौन सा लिगेंड अटैच, कितने लिगेंड्स अटैच है, पहले फॉलोड बाय नेम ऑफ लिगेंड, कौन सा लिगेंड अटैच है, फॉलोड बाय नेम ऑफ मेटल आयन, है ना, सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है, और ब्रैकेट में रोमन्स में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये फॉर्मेट रहने वाला है कि केटायनिक कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर देते वक्त हमें सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स बताने हैं, फॉलोड बाय नेम ऑफ लिगेंड्स, देन नेम ऑफ मेटल आयन। अब नंबर ऑफ लिगेंड्स बताने के लिए दो तरह के प्रीफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स वन तो क्या होगा, ये डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा एक्सेट्रा, है ना, दो लिगेंड जुड़े होते हैं, डाई तीन लिगेंड जुड़े, ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सो। लेकिन एक प्रीफिक्स टाइप टू भी होता है, ठीक है, यूज वेयर लिगेंड इन इट्स नेम ऑलरेडी हैव प्रीफिक्स वन। ऐसे लिगेंड्स जिनके नाम में पहले से प्रीफिक्स वन होता है उनके लिए प्रीफिक्स टाइप टू यूज किया जाता है। प्रीफिक्स टाइप टू होते क्या है, दो के लिए बिस, तीन के लिए ट्रिस, चार के लिए टेट्राटिस पेंटाटिस एक्सेट्रा। तो मतलब कब यूज करना है इन सफिक्सेस को, प्रीफिक्सेस को, जब लिगेंड के नाम में ऑलरेडी प्रीफिक्स वन प्रेजेंट हो। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज किसी केस में आपके पास ये मेटल के साथ तीन ईएन लगे हुए हैं। आप सबको पता है कि अगर हम ईएन की बात करें तो ईएन कौन सा लिगेंड है, ईएन इज इथाइलीन डाइअमीन, है ना। अब देखो ईएन के नाम में खुद क्या आ रहा है, इथाइलीन डाइअमीन, लिगेंड के नाम में खुद क्या आ रहा है, इथाइलीन डाइअमीन। अगर मैं इसका नंबर बताने के लिए आगे ट्राई लगा दूं, अगर मैं इसका नंबर बताने के लिए आगे ट्राई लगा दूं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। क्या कंफ्यूजन, ऐसा लग रहा है तीन इथाइलीन लगे हुए हैं और दो अमीन लगे हुए, है ना, इसका मतलब ये तो क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं ट्राई की जगह पे ट्रिस लिख दूं तो क्या कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ट्रिस इथाइलीन डायमीन का मतलब हो गया तीन इथाइलीन डायमीन लिगेंड्स इसमें प्रेजेंट है। तो बेसिकली ऐसे लिगेंड जिनके नाम में पहले से डाई ट्राई टेट्रा जैसे शब्द हो उनका नंबर डिस्क्राइब करने के लिए हम ये प्रीफिक्स टाइप टू यूज करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लिगेंड्स की हमने बात कर ली कि लिगेंड्स को नंबर कैसे दिया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटे हम नेम ऑफ लिगेंड्स। नेम ऑफ लिगेंड्स में याद रखना जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं, है ना, नेगेटिव लिगेंड्स के लिए हम एक सफिक्स यूज करते हैं, एंड दैट सफिक्स इज आइदर ओ और आइडो, आइदर ओ और आइडो, ध्यान से समझे। इधर सपोज Cl- है, कौन सा आयन है, क्लोराइड आयन है। लेकिन अगर ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की तरह काम कर रहा है तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, या तो लिखेंगे क्लोरो या लिखेंगे क्या, क्लोराइडो। क्लोराइडो मॉडर्न कन्वेंशन है, लेकिन क्लोरो भी एक्सेप्टेड है कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड होंगे उन सबका नाम किससे एंड होगा, या तो ओ से या आइडो से। जैसे सी एन माइनस है, क्या लिखोगे, या तो लिखोगे साइनो या क्या लिखोगे, साइनो, या तो लिखोगे साइनो या क्या लिखोगे, साइनाइडो।
अब जैसे यहाँ लिगेंड है आपके पास OX2-, OX कौन सा लिगेंड था, कल हमने डिस्कस किया था, ऑक्सलेट लिगेंड, लेकिन कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, तो इसको लिखेंगे ऑक्सलेट। तो याद रखना जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं उन सब नेगेटिव लिगेंड्स का नाम किससे एंड होगा, या तो O से या हाइड्रो। जितने भी पॉजिटिव लिगेंड्स हैं, जितने भी पॉजिटिव लिगेंड्स हैं उनके लिए जो सफिक्स यूज करोगे आप वो होगा ईएम। और हमने दो ही पॉजिटिव लिगेंड्स कल पढ़े थे, कौन से, एनओ प्लस, क्या नाम दिया था, नाइट्रो सोनियम, और हमने क्या पढ़ा था, N2H5 पॉजिटिव, इसका नाम क्या था, हाइड्रेजीनियम। तो नाइट्रोसोनियम एंड हाइड्रेजीनियम ये कैसे लिगेंड्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स का नाम ईएम से एंड होगा, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स का ओ या हाइड्रो से। और जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, है ना, जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स हैं उनको हम एज इट इज लिखेंगे, मतलब जैसे हैं वैसे, ईएम इथाइलिनाइन। लेकिन इसमें भी याद रखना है H2O वाटर, वाटर को वाटर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्वा, ठीक है, H2O को क्या लिखेंगे, एक्वा लिखेंगे। NH3 अमोनिया, अमोनिया को लिखेंगे MeNH3, एमीन। और CO को कैसे लिखेंगे, एज कार्बोनेट। इन तीन लिगेंड्स को छोड़ के बाकी सभी न्यूट्रल लिगेंड्स को एज इट इज लिखेंगे। नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड देने के बाद सिंपली नेम ऑफ मेटल आयन देंगे और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता के हम कंपाउंड के या कॉम्प्लेक्स के नाम को कंप्लीट करेंगे। तो ये केटायनिन कॉम्प्लेक्सेस के नोमेनक्लेचर का पैटर्न है। इस नोमेनक्लेचर को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एक एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। जैसे हम पहला एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखना एग्जांपल नंबर 1। मेरे पास कॉम्प्लेक्स है Fe H2O6 Cl3। सबसे पहले बच्चों आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट हम देखते हैं, एक क्लोरीन पे कितना होता है -1, तीन क्लोरीन पे -3, पूरे कॉम्प्लेक्स पे 3 पॉजिटिव, वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये 3 पॉजिटिव किसकी वजह से आया बेटे, आयरन की वजह से है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3rd। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो पहले नाम किसका दिया जाएगा, कॉम्प्लेक्स एंटिटी का। कॉम्प्लेक्स एंटिटी का नाम देने के लिए सीक्वेंस क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल आयन। नंबर ऑफ लिगेंड कितना, 6, 6 के लिए क्या यूज करेंगे, हेक्सा, एच कैपिटल, है ना, पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम रनिंग में लिखेंगे, कोई गैप नहीं आएगा, हेक्सा। नेम ऑफ लिगेंड कौन सा लिगेंड है, वाटर, वाटर को क्या लिखना है, एक्वा, हेक्सा। कौन सा सेंट्रल एटम है, आयरन, आयरन, हेक्सा एक्वा आयरन। नंबर ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ मेटल आयन। ब्रैकेट में रोमन्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, ये सारा रनिंग होगा, कोई गैप नहीं होगा। और काउंटर आयन कौन सा लगा हुआ है, क्लोरीन, तो हेक्सा एक्वा आयरन 3rd क्लोराइड। तो दिस इज द क्लोराइड या क्लोराइड, जब लिगेंड की तरह काम करेगा तब क्लोरो या क्लोराइड हो। यहां पर सीएल लिगेंड थोड़ी है, यहां पर तो सीएल क्या है, काउंटर आयन है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा एक्वा आयरन 3rd क्लोराइड। तो दिस इज द वन एग्जांपल ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। अभी एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस करके फिर एक और प्रैक्टिस सेशन लेंगे कॉम्प्लेक्सेस के नोमेनक्लेचर का। तो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग The naming of anionic complex. हाँ जी बेटे, anionic complexes में बात करें तो ये दोनों चीजें, मतलब number of ligands देने का तरीका same, name of ligands देने का तरीका बिल्कुल same,
लेकिन जब आप मेटल आयन का नाम दोगे तब आप मेटल आयन का लैटिन नेम दोगे और उसके साथ एक सफिक्स भी लगाओगे एट। जैसे अगर मैं बात करूं तो एजी, एजी के लिए हम लिखेंगे आर्जेंटेट, क्योंकि एजी का जो लैटिन नाम है दैट इज आर्जेंटर, है ना, तो वहां से आया है ये क्या अर्जेंटेट। लैटिन नेम के साथ क्या लगाना है आपने एट। जैसे कोबाल्ट, कोबाल्ट कोबाल्ट का लैटिन नेम ही है, तो आप यहाँ क्या लगा दोगे कोबाल्टेट। गोल्ड है, गोल्ड के लिए क्या लगाओगे ऑरेट। आयरन है तो क्या लिखोगे फेरेट, है ना, फेरम से आया आप सबको पता है। लेड प्लम्बस, है ना, तो लेड के केस में हम क्या लिखेंगे प्लम्बेट। टिन एसएन स्टैनम से आता है तो इसके लिए क्या लिखेंगे स्टैनेट। अब इसमें मर्करी एक्सेप्शन, मर्करी किससे आता है हार्जेंटर, मर्करी किससे आता है हार्जेंटर, लेकिन मर्करी के केस में हम सीधे क्या लिख देते हैं मर्क्यूरी। ठीक है, कैल्शियम आ गया तो कैल्सीट, क्रोमियम आ गया तो क्रोमेट, है ना, और कोबाल्ट आ गया तो कोबाल्ट, हो गया कोबाल्ट। तो बेसिकली जो नाम लिखना है वो लैटिन नेम लिखना है मेटल आयन का और एट। हाँ जी बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग आयन पैक नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इन सब में बेटा सबसे पहला काम आपने ये करना है सेंट्रल मेटल एटम पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अब देखो साइनाइड की वजह से -6 और पोटेशियम +3 कंज्यूम कर ही चुका है, तो यहाँ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +3। तो ये आपको बता दीजिए, सभी में निकाल लेते हैं पहले। Br पे -1, 2 Cl है -2, वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब यहाँ आयरन थर्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ भी Nc -1, सल्फेट -2, क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में थर्ड। अब आपको पता है सल्फेट 2 माइनस NO +1 ऑलवेज, हमने कल पढ़ा था, तो यहाँ आयरन भी +1 भी है। ठीक है, HCN माइनस थायोसाइनाइड -1, 4 -4, -4 को -2 बनाना है, मतलब इस कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सही निकालनी बहुत जरूरी है। अब सबसे पहले आपको पता है काउंटर आयन लिखा हुआ, तो पहले काउंटर आयन लिखेंगे और काउंटर आयन का नाम क्या लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, फिर एक गैप आएगा, कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा, कॉम्प्लेक्स के नाम में नंबर ऑफ लिगेंड, नंबर ऑफ लिगेंड 6 हेक्सा, रनिंग में चलेंगे नेम ऑफ लिगेंड साइनो, तो हेक्सा साइनाइडो, साइनाइडो और साइनो। कॉम्प्लेक्सेस केटाइनिक और एनाइनिक, कॉम्प्लेक्सेस एनाइनिक, तो एनाइनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन का लैटिन नेम लिखेंगे, कोबाल्ट का लैटिन नेम कोबाल्ट ही है, साथ में एक सफिक्स लगेगा एट, तो यहाँ लिखेंगे हेक्सा साइनाइडो कोबाल्टेट और ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स K3COCN6। अब काउंटर आयन नेगेटिव है, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स में दो तरह के लिगेंड्स हैं वाटर और सीएल, पहले किसको लिखेंगे अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस में चलेंगे, इसका नाम एक्वा, ए से शुरू हो रहा है, इसका नाम क्लोरीन, क्लोरो, सी से शुरू हो रहा है, तो पहले एक एक्वा वाले बताएंगे, एक्वा का नंबर कितना है 4, हम लिखेंगे टेट्रा क्लोरो, एक्वा के लिखेंगे टेट्रा, सॉरी टेट्रा एक्वा, ठीक है, डाई क्लोरो, सब रनिंग में टेट्रा एक्वा ड्राई क्लोरो। बच्चों आयरन या फेरेट, आयरन या फेरेट, आयरन, रीजन बीइंग कॉम्प्लेक्स कैसा है केटायनिक है, तो हेक्सा एक्वा टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट पर थर्ड एंड काउंटर आयन वाज ब्रोमीन, सो वी हैव रिटन ब्रोमो, सो दिस इज टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो आयरन थर्ड ब्रोमीन। अच्छा इधर देखो फिर से केटायनिक कॉम्प्लेक्स, ये एक्वा है ना, लेकिन ये जो एनसी है बेटा, आप एनसी को दो तरह से लिख सकते हो,
या तो आप लिखो साइनो एन, है ना, आपको साइट बतानी होगी। सिर्फ सी एन लिखा हो तो अंडरस्टूड है कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर एन से लिखा हो तो आपको नाम में बताना पड़ेगा, या तो क्या लिखना पड़ेगा साइनो एन, या क्या लिखना पड़ेगा आइसोसाइनो। उस हिसाब से आप आई को या सी को कंपेयर कर सकते हो ए से, ठीक है। अब आपको अगर ए ही आएगा पहले तो हम लिखेंगे पेंटा एक्वा साइनो एन, है ना, एमिलेंडेट की साइड पता लग गई, साइनो एन क्रोमियम थर्ड एंड द काउंटर आयन इज सल्फेट। तो दिस इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। अब यहां फिर से ये एक्वा ये नाइट्रो तो हम लिखेंगे पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन फर्स्ट सल्फेट, ठीक है। इधर देखो टेट्राथायोसाइनो लिखो चाहे साइनाइडो लिखो, टेट्राथायोसाइनाइडो कोबाल्ट या कोबाल्टेट, द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, तो वी विल राइट कोबाल्टेट ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड, लेकिन कोई काउंटर आयन नहीं है, रेसिडुअल चार्ज है, तो इसके आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा आयन, ये एक आयन है। एक केस और लिख लेते हैं, जैसे H2PtCl6 ये वाला केस देखते हैं, H2PtCl6 प्लैटिनम को बेटे यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है फोर्थ, और मैंने आपको बताया था जब भी H+S काउंटर आयन आ जाता है तो आप उसको ना लिख के लास्ट में क्या लिखते हो एक कैसे, तो H+ को छोड़ दो बाकी चीजें लिखो, हेक्साक्लोराइडो है ना, तो प्लैटिनम है आयनिक कॉम्प्लेक्स है, तो प्लैटिनेट नहीं लिखना क्योंकि एक कैसे लिखना है, तो हम लिखेंगे प्लैटिनिक फोर्थ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्साक्लोरो या क्लोराइडो प्लैटिनिक फोर्थ एसिड, राइट। दिस इज अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स।